हेलो दोस्तों, मैं अरुण कुमार विद्यार्थी, मॉडर्न यूथ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा पता है आपको कि बीएड की सारी प्रक्रिया पूरी होगी, कॉलेज सारे बच्चों को अलॉट कर दिया गया है। बड़ी बात खुलकर ये आ रही है कि सभी कॉलेजेस में स्टूडेंट जितनी सीट थी उस सीट के हिसाब से भेज दिया गया है बच्चों के नाम, जिसमें SC OBC जनरल सारी कैटेगरियों को छांटकर एक सुव्यवस्थित NEU द्वारा भेज दी गई है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया पूरी इस तरह से स्पष्ट की गई है कि आप 150,000 गवर्नमेंट की जो फ़ी है, पटना हाई कोर्ट द्वारा दी गई, जो भी इंस्टीट्यूशन थे वो ने केस किया था कि हमें 50,000 फ़ी बढ़ानी थी, जो बढ़ाई गई है उसी बढ़ाए हुए फीस पे लेने था। जैसे शुरू से ही आकाश लगाए जा रहे थे कि फी क्या होगा, मगर सरकार पूरी तरह बच्चों को अपनी भविष्य को लेकर काफ़ी खिलवाड़ किया है कि फ़ी इतना क्यों। एक हम जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, एक सीमित एजुकेशन होती है और उसकी एक मापदंड होती है, और मापदंड में बिल्कुल खड़ा नहीं उतरा है नीतीश सरकार। और राज्यपाल भी उन स्टूडेंटों को धोखा दिए हैं जो अपने भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हैं। हम लोग बिहार मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और बिहार इतनी बहुत संपन्न नहीं है, ना ही यहाँ के मध्यम वर्ग संपन्न है कि जो 150,000 फी देकर पढ़ा सके, साथ ही साथ रहने खाने की खर्च भी अलग से होगी। सरकार पूरी तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर यानी एजुकेशन कॉर्पोरेट वर्ल्ड को लेकर पूरी तरह से विफल रही है और इसमें कोई भी मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है। न केंद्र सरकार इसमें कुछ करती है, न राज्य सरकार, पूरी तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर को बेच रही है। तो प्लीज़, अगर आपको एडमिशन लेना है, जिन छात्रों को आप ले सकते हैं, मगर उसके लिए आपको जो भी NEU द्वारा दी गई रसीद बिल्कुल अनिवार्य रूप से ले जाएं। पेमेंट की जहां तक बात है, वो 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट 75% यानी ली जाएगी, यानी जो भी कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो 150,000 में है तो 40,000, कोई 50,000, कोई 60,000, वो है वो डिजिटल अकाउंट पेमेंट भी कर सकते हैं, DD बना सकते हैं, चेक दे सकते हैं कॉलेज के नाम से। और साथ ही साथ 10th, 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट ले जाएं, सर्टिफिकेट ले जाएं, जीरोक्स करा कर एक दे दें, आपकी वेरिफिकेशन वहाँ भी की जाएगी, तो फिर कॉलेज NEU द्वारा क्यों किया। दूसरी बात, और साथ ही साथ है कि आप SLC जरूर ले जाएं, जिससे आपकी सुविधा होगी। और साथ ही साथ 5 फोटोग्राफ्स जरूर ले जाएं, NEU द्वारा दी गई सारे डॉक्यूमेंट्स जरूर ले लें, मार्कशीट ले लें, जाति आवास से जरूर ले लें अगर है आप कैटेगरी में आते हैं तो। पूरी तरह से स्टूडेंट को साथ ये खिलवाड़ किया गया है, एक स्टूडेंट 150,000 फी कहाँ से देगा, साथ में रहने खाने पीने का खर्च वो भी कहाँ से उठाएगा। अन्य पूरा ही मिलाकर बीएड के एजुकेशन पूरी तरह से एक तरह से एकदम पूरी कह दिया जाए तो ये पूरी तरह से एजुकेशन के मामले में ये पूरी कॉर्पोरेट हो गई है। जैसे वोकेशनल कोर्स लेते हैं, ये भी वोकेशनल कोर्स भी पूरी तरह से आ गया और पैसे भी डबल ले रहे हैं। तो बिल्कुल खुलकर आइए, सरकार द्वारा कोई भी रिलैक्सेशन किन्हीं वर्गों में नहीं है, सरकारी हो, कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेजेस हो। और बड़ी बात खुलकर ये है कि एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी 5-5 कॉलेज खोल के रखे हैं, ये कैसा मानना है, और उनके प्रिंसिपल ये सारे चीज़ कहाँ है। ये तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सेक्टर का वर्ल्ड है, यानी कॉर्पोरेट की तरह से बेच दिया गया है। क्या मायने रख दिया कि ना एजुकेशन को ये क्वालिटी नहीं है। इसके नाम पे देखा जाए कि तो पिछले 4-5 सालों से जो भी लिए गए अभी जो शिक्षक बने उन लोगों का क्या है, अभी तक कोई भी एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, साथ ही साथ वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि उचित होगी तो ही आप काम करते। बेरोजगारी इतनी हावी है कि 150,000 रुपया देकर आप सर्टिफिकेट लेकर भुंजा खाने के लिए तो नहीं आए हैं, उसे कहीं ना कहीं रोज़गार चाहिए। तो रोज़गार के लिए ही अगर आप करना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं, नहीं तो अन्यथा बिल्कुल ना करें। अगर आपकी इच्छा है तो आप करें, नहीं तो देख लें आगे क्या करना है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर दूर दूर में दोस्त हैं तो उनको बता दें, स्पष्ट करें। और अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। मैं बहुत कॉलेज घूम चुका हूं, उसमें मैं देखा हूं कि क्या उनकी रवैया है, पूरी तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ भेजा गया है। धन्यवाद, थैंक यू।